दोस्तों मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मयंक मोटो पावर में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 रीजन टू बाय हीरो एक्सपल्स 200 4B E20 OD2 के लेटेस्ट मॉडल के बारे में, साथ में माइलेज, टॉप स्पीड, नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है, सारी जानकारी फुल डिटेल में देने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस बाइक में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स रेड कलर, लाइम येलो कलर, मैट शील्ड गोल्ड कलर। ये जो कलर है मैट शील्ड गोल्ड कलर है। सबसे पहला रीजन इस बाइक को खरीदने का यही है दोस्तों, इस बाइक का लुक और डिजाइन पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग टूरिंग के हिसाब से बनाया गया है। सबसे पहले मैं बाइक की चाबियां दिखा देता हूं। यहां पर आपको नॉर्मल सी की ऑफर की जाती है हीरो की ब्रांडिंग के साथ, वेब की वगैरह का कोई भी अपडेट यहां पर आपको नहीं दिया गया। आगे की साइड चलते हैं, बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद फ्रंट से कुछ इस तरीके का यहां पर आपको लुक देखने को मिल जाएगा। साइड बाई साइड आपको LED DRS मिल जाते हैं, बाकी स्प्लिट LED हेडलैम्प का यहां पर आपको पूरा का पूरा सेटअप दिया गया है दोस्तों। नीचे आपको हाई भी मिल जाएगी, ऊपर आपको लो भी मिल जाती है। यहां से मैं चेकआउट करा देता हूं, देख सकते हो दोस्तों नाइट में आपको ठीक ठाक रोशनी मिलने वाली है। बाकी 3 छोटे छोटे बल्ब के साथ यहाँ पर आपको LED विंकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। अगर हम मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का जॉइंट देखने को मिल जाता है। फाइबर बॉडी का यहाँ पर आपको मडगार्ड दिया गया है जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, मैट शील्ड गोल्ड कलर के साथ। दोस्तों दूसरा रीजन इस बाइक को खरीदने का यही है कि इस बाइक में आपको सेफ्टी का काफी ख्याल रखा गया है। रबर गेटर के 37mm टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन आगे में मिल जाते हैं, बाकी सस्पेंशन के दोनों ही साइड में आपको 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। अगर सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो इस बाइक में आपको 276mm की डिस्क मिल जाती है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। आगे में आपको 180/17 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, MRF कंपनी के यहाँ पर आपको टायर दिए गए 17 इंच की ब्लैक कलर की अलॉय व्हील के साथ। काफी लाउड यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है, डुअल हॉर्न यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। क्रैश गार्ड आपको सिंगल पीस में दिया गया है। ऑयल कूल वाला यहाँ पर आपको रेडिएटर मिल जाता है इंजन वगैरह को ठंडा करने के लिए। कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है। सेफ्टी के लिए एक प्लेट वगैरह भी यहाँ पर लगाई गई है। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है 178mm की है। तीसरा रीजन इस बाइक को खरीदने का दोस्तों ये है कि इस बाइक में आपको किक वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको हीरो की ब्रांडिंग के साथ काफी पावरफुल यहाँ पर आपको इंजन मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टेड वाला। इंजन डिटेल की बात करें तो इस बाइक में आपको 199.6 cc का ऑयल कूल 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 कंप्लाइंट FI इंजन दिया गया है जो कि 19.1 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 8500 RPM पर और 17.3 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। पहले से इस बाइक का इंजन काफी रिफाइन कर दिया गया है। 120 प्लस की टॉप स्पीड मिल जाती है, 35 से 40 का माइलेज इस बाइक में आपको आसानी से मिल जाएगा। ब्रेक पैड आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के मिल जाते हैं, एडजस्टेबल आपको राइडर फुटरेस्ट मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो एक्सपल्स 200 T4V का यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी E20 की बैजिंग यहाँ पर आप देख रहे हो, E20 OD2 वाला बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल आप देख रहे हो। लगभग 13 लीटर की काफी बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। काफी लंबा सा यहाँ पर आपको हैंडल बार दिया गया। चौथा रीजन इस बाइक को खरीदने का यही है दोस्तों, इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, फोन चार्जिंग मिल जाता है और इस बाइक में आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। इग्निशन ऑन करने के बाद पूरा का पूरा मीटर कंसोल यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको हेडलाइट की इंडिकेशन मिल जाती है, न्यूट्रल इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, ABS की लाइट, टर्न इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी RPM मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है, स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है, गियर सेफ्टी इंडिकेटर की इंडिकेशन, बाकी यहाँ पर आपको ट्रिपोमीटर, रियल टाइम एवरेज वगैरह भी यहाँ से आप देख सकते हो। नेविगेशन असिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी इस बाइक में आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट जैसे फीचर भी इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी अच्छे फीचर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। साइड मिरर आपको यहाँ पर काफी स्टाइलिश से देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको पासिंग, अपर डिपर, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है, क्लच आपको काफी लाइट मिल जाएगी। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है। दोस्तों पांचवा रीजन इस बाइक को खरीदने का यही है, इस बाइक की जो सीट हाइट है 797mm की, कम हाइट वाले भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। इस बाइक के सीट का डिजाइन जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बनाया गया है। सीट की कुशनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी सॉफ्ट सीट मिल जाती है दोस्तों, आगे पीछे दोनों की सीट यहाँ पर आपको काफी सॉफ्ट मिल जाती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको पाइप शेप में दिया गया है जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का, पर थोड़ा सा छोटा यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। मस्कुलर सा यहाँ पर आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है इस बाइक का जो है, एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से दिया गया है। मेटल की प्लेट के साथ यहाँ पर आपको मफलर गार्ड मिल जाता है। रियर वाले सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 7-स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसे आप 7 टाइम एडजस्ट वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पर आपको मड फ्लिप मिल जाता है। पीछे में आपको 220mm की डिस्क मिल जाती है। पीछे में आपको ABS का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे में आपको 130/70/17 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं 17 इंच की ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। LED टेल लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी LED विंकर्स मिल जाते हैं, साइड बाई साइड देख सकते हो। बाकी नीचे की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर प्लेट
फिटेड ऑप्शन दिया गया है, छोटा सा रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है टायर हगर के ऊपर। कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको साइडी गार्ड मिल जाता है जो कि लेडीज सेफ्टी के लिए काफी अच्छा है। बॉक्स शेप में यहाँ पर आपको स्विंग आर्म दिया गया है। ओपन चेन सेट कवर का सेटअप इस बाइक में आपको मिल जाता है। 5-speed गियर बॉक्स का मैनुअल सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इस बाइक में आपको मेन स्टैंड मिल जाता है। 200cc की बाइक में आपको मेन स्टैंड मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 155 किलोग्राम का इस बाइक का कर्व वेट है। दोस्तों अगर आप कम सीसी की कम प्राइस में ऑफ रोडिंग टूरिंग बाइक देख रहे हो अच्छे फीचर्स के साथ, तो काफी अच्छा ऑप्शन ये बाइक आपके लिए हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ऑल न्यू हीरो एक्सपल्स 200T4B की एक्स शोरूम प्राइस है 140,200 रुपीज। इसकी ऑन रोड प्राइस है 171,000 रुपीज। दोस्तों ये प्राइस मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स हीरो शोरूम नियर मल्हे विलेज मथुरा रोड राया की। अगर आप हीरो की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।